हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस फाइल में अपन देखेंगे आर्टिकल नंबर 105। इसके अंदर आएगा संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। देखो यहाँ दो चीज हैं, पहले तो ये है इतना है और फिर है ये इतना। इतने के अंदर दो चीज और इतने के अंदर तीन चीज, समझना जरूरी है इन चीजों को। बेसिक बेसिक दो चीज क्या है, एक तो संसद मतलब संसद के दोनों सदनों की बात है और संसद के सदस्यों की बात है, एक चीज तो ये होगी। फिर दूसरा जो ब्रैकेट है इसमें तीन चीजें आ रही हैं, शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां। शक्तियां कैसे, शक्तियों को अपन बोलेंगे पावर, विशेष अधिकार को बोलेंगे प्रिविलेजेस और उन्मुक्तियों को बोलेंगे इम्यूनिटीज। तो ये पीपीआई है, पीपीआई, पीपी किट नहीं है, पीपीआई है, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे श व उ, है ना, ये सब ध्यान रखने अपन को, श व उ, ठीक। तो जैसे आप कहीं भी शब्द बोलो तो शक्तियां बोलो तो ये एक साथ बोला जाना चाहिए, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, क्रम यही रखना आप, है ना। जैसे आप जैसे देखोगे नोट्स वीडियोस वगैरह में क्रम उल्टा सीधा कर दिया, उन्मुक्तियां शक्तियां विशेषाधिकार बोल देते हैं, कोई विशेषाधिकार उन्मुक्तियां शक्तियां बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना अपन को, शक्तियां विशेषाधिकार उन्मुक्तियां पावर प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज, ऐसे बोलना है। अब इन तीनों शब्दों में क्या भेद होता है, पहले वो भेद थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे आपको खाने पे बुलाया जाएगा, ये आपकी शक्ति है, ठीक है ना, आपको खाने पे बुलाया जाएगा, ये आपकी शक्ति है, आपके बगैर हो ही नहीं सकता भोज का आयोजन, तो आपको जिमने के लिए बुलाया जाना आवश्यक है, ये आपकी शक्ति है, ठीक है। फिर जैसे बुला लिया गया जिमने के लिए तो आपका विशेष अधिकार है कि सबसे पहले, ठीक है, आपको परोसा जाएगा, ठीक है, ये आपका विशेष अधिकार हो गया। क्या ये प्रिविलेज हो गया आपका कि सबसे पहले आपको खाना परोसा जाएगा। और उन्मुक्ति क्या है, मतलब इम्यूनिटी क्या है, कि जैसे खाना आपने जूठा भी छोड़ दिया ना तो भी कोई गम नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया भाई, मैं माइकल हूँ, छोड़ सकता है जूठा, छोड़ सकता हूँ मैं जूठा, तो ये उन्मुक्ति हो गई, समझ गए। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है बेसिक एग्जाम्पल से, है ना। तो ये बेसिक एग्जाम्पल अपन को ध्यान रखना है, क्या आपकी शक्ति है कि आपको भोज पे बुलाया जाएगा, आपके बगैर भोज ही अधूरा है, ठीक है, भोज ही अधूरा आपके बगैर, महफिल है रौनक हो आप, ठीक है। तो ये तो हो गई शक्ति, विशेष अधिकार, महफिल में चले गए सबसे पहले भैया मेरे को डालो खाना, विशेष अधिकार प्रिविलेज। इम्यूनिटी, झूठा छोड़ भी दिया तो क्या गम है, अमर माइकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा चखूंगा मैं, ये उन्मुक्ति। तो इस बेसिक एग्जाम्पल को आप ध्यान रखो तभी ये चीज समझ में आपको आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। ये नीचे एग्जाम्पल देख लो, ये बेनीवाल मामला, उद्घाटन करने गए थे फिर वहां उनपे हमला हो गया, ये सारा मामला, ये अपन यही देखेंगे, विशेष अधिकार हनन का जो मामला है, ये अपने हनुमान बेनीवाल नागपुर से एमपी, उनकी बात है, है ना, एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे अभी आएगा। तो पहले ये बेसिक एग्जाम्पल समझो आप, ठीक है। अब देखो इसके अंदर चार अपने सब आर्टिकल्स आएंगे, 105(1), 105(2), 105(3), 105(4), ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 105 में एक में है वाक स्वतंत्रता, ठीक है ना, इनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जैसे अपन देखते हैं जो नागरिकों को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ ना 19(1) के में, उससे बहुत ज्यादा है ये व्यापक एमपीज को जो मिला हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये मिला हुआ किस किस को, किस किस के अपन यहाँ बात करेंगे। देखो आया था भी सदन के सदनों, जैसे ये पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज अपन किनकी पढ़ते हैं, किनकी पढ़ते हैं, मैंने शुरू में बताया था आपको, ये किनकी पढ़ेंगे अपन, संसद के, ठीक है ना, संसद और उसके सदस्यों। तो संसद का मतलब है कि दोनों सदनों के भी अधिकार होते हैं, और फिर सदनों के जो सदस्य हैं उनके भी अधिकार होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे अभी। जहाँ संसद की अपन बात करेंगे तो अपन पढ़ेंगे ही कलेक्टिव रूप में, और जहाँ सदस्यों की बात करेंगे वहाँ बात करेंगे अपन इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप के अंदर, जो इनको पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज मिली हुई, तो अपन पढ़ेंगे कलेक्टिव रूप में और इंडिविजुअल रूप में। तो कलेक्टिव रूप में जो चीज़ है, और यहाँ पे देखो संसद के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियाँ, तो तीन चीज़ें यहाँ आ गई, ये तो सदन, सदस्य और समिति। तो वाक स्वतंत्रता का संबंध है यहाँ पे सदस्यों और समिति से। तो सदस्य जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, और समितियों के जैसे जो मेंबर्स हैं उनको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक है 19(1) की तुलना में, जिसके तहत आम नागरिकों को मिला हुआ है वाक स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये किस मामले में व्यापक है, जहां तक संसद या सांसदों या समितियों के सदस्यों की बात है, ये 19(1) जो है ना, तो अपन ने जैसे 19(2) में पढ़ा था कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है 7 ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है ना, देश की अखंडता, मित्रता, अंतर विदेशी दोस्तों से
मित्रता के मामले में, सदाचार संबंधी, ऐसे नैतिकता, ठीक है। तो ऐसे 7 मामलों में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रख सकता है नागरिकों को जो वाक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ, वाक अभिव्यक्ति 19A के तहत। जबकि संसद के संदर्भ में ऐसा नहीं है, मतलब संसद सदस्य या अपने समितियों के संदर्भ में ऐसा नहीं, उनको काफी एक्सटेंसिव पावर है। कहने का मतलब जो भी वो सदन में बोलता है कोई सांसद, कोर्ट में उसको उसके प्रति जो भी उसने बोला संसद में उसके प्रति जवाबदेही नहीं ठहराया जा सकता है, कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती जो भी उसने सदन में बोला, ठीक है। तो जैसे मान लो सदन में खड़ा होकर कोई बोल देता है प्रधानमंत्री नौजवान तो चोर थे, कोई सदस्य बोल देता है उन्होंने तो भीख मांगी कश्मीर भेज दिया, तो वो सदन के अंदर ही है। वैसे वो पीठासीन अधिकारी फैसला करेगा कि चुपचाप बैठ जाओ या क्या बोलो मत बोलो, कोर्ट में नहीं जाएगा कि कोर्ट में आप दायर नहीं कर सकते कि सर उन्होंने तो मतलब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चोर बता दिया, भिखारी बता दिया सदस्य ने, ऐसे कोर्ट में नहीं कह सकते, पीठासीन अधिकारी फैसला करेगा क्या। तो यह है वाक स्वतंत्रता। अब अपन देखते हैं तो काफी ये वाइड है 19A की तुलना में, तो लेकिन इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लग सकता है जो सांसदों को मिली हुई 105A के तहत। तो जैसे अपन देखेंगे कि अनुच्छेद 121 में ये है कि कोर्ट का कोई भी मैटर संसद में डिस्कस नहीं होगा, मतलब सदन में डिस्कस नहीं होगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय उस न्यायालय किसी न्यायाधीश को हटाने की बात है, ठीक है ना। सिर्फ वो हटाने संबंधी प्रस्ताव वो डिस्कस कर सकते हो, उसके अलावा कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग सदन में डिस्कस नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर 118 के तहत जो नियम बनाए हैं संसद ने, उनमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं उन वो बस इस संसद सदस्य के अधिकार को, वाक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं, ये दो 121 और 118, ठीक है। अब 118 में क्या है, जैसे ये नियम बना हुआ है कि भाई अगर स्पीकर या पीठासीन अधिकारी ने बोल दिया ना इस पर, अध्यक्ष या सभापति ने, कि बैठ जाओ, तो फिर आपको बैठना पड़ेगा, नहीं बैठोगे तो फिर दंड देने का पावर है पीठासीन अधिकारी को, आपको बाहर भेज देगा, निष्कासित कर देगा 2 दिन या स्थायी तौर पर, ऐसे है ना। तो ये वाक स्वतंत्रता की बात थी, ये सारी आगे और आएगी वाक स्वतंत्रता। फिर दूसरा जैसे अपन ने पढ़ा है किसी न्यायालय में उसको उसके प्रति कार्रवाई नहीं किया, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर किसी संसद सदस्य ने कोई मत डाला है या कुछ बोला है तो, ठीक है ना। जो भी उसने बात बताई है या मत डाला है किसी भी प्रस्ताव या विधेयक के पक्ष विपक्ष में, तो उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में चैलेंज उसका बोलना या मत डालना नहीं हो सकता। फिर ये जो स्वतंत्रता मिली, मतलब शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां हैं, ये संसद समय समय पर विधि द्वारा परिभाषित कर सकती है, प्लस माइनस कर सकती है। फिर 105(4) में ये है कि ये शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां जो हैं, ये सदन और उसके सदस्यों को तो है ही, साथ ही साथ में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन व्यक्तियों को सदन में बोलने और मत देने की शक्ति होती है, ठीक है ना, सॉरी, बोलने और भाग लेने की शक्ति होती है, मत देने की नहीं होती है। जैसे मंत्री, ठीक है ना, किसी भी सदन में बोल बोल सकता है, बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। तो मंत्री और एक अपने पढ़ा था महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, वो भाग ले सकते हैं चर्चा में, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। तो उनको भी ये ऐसी ही शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां मिलती हैं, ये 105(4) कहता, ठीक है ना। बोलने और भाग लेने की जिन व्यक्तियों को मिलती है उनको भी ऐसे अधिकार होंगे, ठीक है, उसी प्रकार से लागू होंगे, ये चीज इसके अंदर है, ये उसी प्रकार लागू होंगे, ये समझ गए। जिन व्यक्तियों को ऐसे बोलने और भाग लेने की शक्ति है उनपे भी ये खंड 1 और 2 और 3 उसी प्रकार लागू होंगे। खंड 1 में अपन ने पढ़ा वाक अभिव्यक्ति, 2 में न्यायालय में नहीं जाएंगे, और 3 में विधि द्वारा वो बंद किया जा सके संसद द्वारा, ये चीज, ठीक है, ये चीज है इसमें। फिर ये जो 44वें संविधान संशोधन लिखा हुआ है ना, 1978 जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई, ये अब इतना कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब ये जो प्रोविजन लिखा हुआ है ये समय समय पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसको कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। ओके, तो ये था अपना आर्टिकल 105। अब नीचे जैसे इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा, बिल्कुल इजी है, बोलने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। फिर 2 में न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती उसके विरुद्ध जो भी उसने बात बोली है या मत जैसा भी दिया है, संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी, और जिन व्यक्तियों को ऐसा अधिकार है भाग लेने का और बोलने का, वैसे वैसे कौन होते हैं मंत्री, वैसे कौन होते हैं ये मंत्री और महान्यायवादी, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे ना, जैसे भाई जब अपन ने ऊपर पढ़ लिया कि संसद सदस्य की बात पढ़ ली, तो फिर ये इनके लिए अलग से क्यों लिखा मंत्री और महान्यायवादी, खासतौर पर मंत्री, क्योंकि जैसे अपन ने देखा ना 75(5) अनुच्छेद, उसके तहत कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, चाहे वो सदन का किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, अधिकतम 6 महीने तक ऐसा हो सकता है ना।
बगैर संसद सदस्य हुआ मंत्री बन सकता है, इसलिए ये बिंदु जोड़ा गया इसके अंदर, क्योंकि वो संसद सदस्य तो है ही नहीं लेकिन मंत्री है, तो इसलिए जिन व्यक्तियों पर ऐसी है दिया गया है कि वो बोल सकते हैं, बात चर्चा कर सकते हैं, उन पे भी ये शक्तियां उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार वैसे लागू होते हैं, मतलब शक्तियां और जोड़ लो, शक्तियां विशेषाधिकार उन्मुक्तियां उन व्यक्तियों पे भी उसी तरह लागू। ओके, फिर ये अनुमान बेनी वाला वाला इशू है ही, तो अभी मैं छोटा सा आपको बताया था, ठीक है। अब ये बेनीवाल मामले में कमेटी, ये विशेष अधिकार कमेटी के समक्ष पेश हुए, प्रिविलेज कमेटी, पंकज चौधरी, ठीक है ना, अनुमान नागौर सांसद, हनुमान देव बेनीवाल के विशेष अधिकार हनन के मामले में संसद विशेष अधिकार स्थायी कमेटी, ऐसे ये पंकज चौधरी तत्काल ये देखो आईपीएस चौधरी, ये तत्कालीन एसपी थे बाड़मेर के। तो ये जो अपन रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ेंगे उसके अंदर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव जो है उसमें ये चीज काफी चर्चा के अंदर है। संसद में बैठे हुए हैं ये, यूपीएससी का इंटरव्यू देने नहीं बैठे हुए हैं ये, संसद में बैठे हुए हैं, ठीक है, विशेष अधिकार हनन कमेटी के सामने संसद भवन में। लेकिन जब आप आईएएस का जैसे इंटरव्यू देने जाओगे ना यूपीएससी में, तो सेम टू सेम सीन होता है ये, आपका एंट्रेंस मतलब जो जिस कमरे में आपका इंटरव्यू होना है, ये पहले तो आप सेंट्रल हॉल में बैठ रहते हो या वेट करते हो अपने टर्न का, फिर जैसे ही आपका टर्न आता है तो आप 5 मिनट पहले ऐसे बाहर चेयर्स लगी रहती हैं, उस चेयर पर आप जाके बैठ जाते हो, फाइल तो नहीं रहती कोई भी हाथ में, और फिर जब डोर बेल बजती है तो आप गेट खोल के अंदर जाते हैं, बिल्कुल ऐसा कैसा डेकोरम होता है, बिल्कुल चमचमाता फर्श, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब, ऐसे अटेंशन में आप बैठे रहते हैं, लेकिन उस समय ऐसी ड्रेस नहीं होती, ये ड्रेस तो आप सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पहनोगे ऐसे, लेकिन सीन ऐसा कैसा होता है, आप इंटरव्यू दोगे ना कभी आईएएस का, आरएएस में भी है लेकिन इतना डेकोरम नहीं है आरएएस में, जैसे चमचमाती है ऐसे नहीं है, ऐसा ही सीन वहाँ भी, ऐसे 5 मिनट पहले जाके बैठना करना सब, तो दोगे जब इंटरव्यू तो आपको ये पंकज चौधरी की तस्वीर याद आएगी। ओके, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठोगे, है ना, ऐसे नहीं सोचती ठीक है, तो आएगा वो भी मौका यार, आराम से पढ़ो, ऐसा क्या। तो चलो ये बातें अपन ने जैसे देखी, अब आ जाते हैं मुद्दे पे, और तो आगे देखते हैं क्या, संसदीय विशेष अधिकार, वे विशेष अधिकार उन्मुक्तियां और छूटे हैं जो संसद के दोनों सदनों सदनों को भी मिलती हैं, उनकी समितियों को और इनके सदस्यों को, है ना, ऐसे दोनों सदनों संसद सदस्यों और इनकी समितियों, ऐसे है ये, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता, है ना, ऐसे पढ़ना है इसको, तो संसद के दोनों सदनों, ठीक है, संसद सदस्यों, अरे समिति कौन भाई, है ना, ऐसे हैं तीन चीजें क्या, दोनों सदनों, ठीक है, दोनों सदनों संसद सदस्यों और समितियों को प्राप्त होते हैं, ठीक है, फिर ये उनको भी प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों, मंत्री और महान्यायवादी, जैसे अपन ने देख लिया, ठीक है, फिर यहाँ चीजें इंपॉर्टेंट है कि ऐसा है क्यों, यह इनके कार्यों के स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए आवश्यक है, इन अधिकारियों को बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता या मानता को संभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। संसद ने अब तक विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करने के संदर्भ में कोई विशेष विधि नहीं बनाई, है ना, संसद ने नहीं बनाई है, वे 5 स्रोतों पर आधारित है, ये शक्तियां विशेष अनुमतियां, ये 5 स्रोतों पर आधारित है, ये कौन कौन से स्रोत है अपन देखते हैं, है ना, ये 5 स्रोत कौन कौन से हैं, संवैधानिक उपबंध जैसे अपन ने आर्टिकल 105 में देख रहे हैं, संसद द्वारा अनेक विधियों का निर्माण किया गया है, ठीक है, दोनों सदनों के नियम जैसे अनुच्छेद 118 के तहत जो बनाए गए, संसदीय परंपरा ट्रेडिशन से, और न्यायिक व्याख्यान सीआरपीसी में अपन इसे देखेंगे। ओके, तो ये तो थी, यहाँ तक तो बात थी जैसे जो अपन ने आर्टिकल के अंदर देखा सुना समझा करा, अब क्या है थोड़ा सा जो गर्भित है आर्टिकल 105 में से उनको निकालेंगे, कि ये जो संसदीय विशेष अधिकार मतलब शक्तियां विशेष अधिकार उन्मुक्तियां जो अपन ने देखी, पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज, उनको तो दो वर्गों में विभाजित किया सकता है, प्रथम वे जो प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाते हैं, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से मतलब हर सांसद उनको एंजॉय करता है, तथा दूसरा जो द्वितीय जो संसद के प्रत्येक सदन में सामूहिक होते हैं, वो एक तरह से सदन को मिले होते हैं, ठीक है, सदन को मिले इसका मतलब वो सभी को मिले, तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव, इसको बोलेंगे अपन इंडिविजुअल और सामूहिक को बोलेंगे कलेक्टिव, तो सदन को मिले हैं तो वो इसका मतलब है सभी को मिले हुए हैं, ऐसा ही मतलब, तो जो सभी को मिले हुए हैं उनको अपन ऐसे बोलते हैं कि सदन को मिले हुए हैं, ठीक है, ये चीज। अब पहले अपन देख लेते हैं इंडिविजुअल क्या है, आओ अब जैसे अपन ने देखा था ना भाई 105 में तो ये सब चीजें कहीं नहीं लिखी हुई, जैसे 40 दिन पूर्व अरेस्ट नहीं हो सकता पूरे बाद में, लेकिन ये सब चीजें अब कहाँ से हैं, जैसे जो संहिता 118 के तहत जो रूल्स बने हैं, विधियां जो बनाई हैं संसद समय समय, उन सब से ये निकल के आती है। पहले देखते हैं व्यक्तिगत विशेष अधिकार, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं,
उन्हें उन्हें मतलब संसद सदस्य को, व्यक्तिगत है ना, इंडिविजुअल की बात होगी, उन्हें मतलब संसद सदस्यों को संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व, मतलब जैसे सत्र चालू होने वाला उसे 40 दिन पूर्व, तथा सत्र बंद होने के मतलब, बंद होने का मतलब सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सत्र चालू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। सत्र है ये, ध्यान रखना अपन, कार्रवाई से मतलब है सत्र, ठीक है। फिर क्या है, ये अधिकार केवल दीवानी सिविल केसेस में उपलब्ध होता है। आपराधिक आपराधिक जिसको अपन बोलते हैं क्रिमिनल, और जिसको बोलते हैं फौजदारी तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामले, प्रिवेंटिव डिटेंशन मामलों में ये लागू नहीं होता। ऐसा किसमें कहा है, सिविल प्रक्रिया सीआरपीसी की सेक्शन 135 के अंदर ही कहा हुआ। अभी आया था देखो, जैसे ये कहाँ से मिले हैं अपन को तो बताया, संसद ने समय समय पर जो कानून बनाए उनमें तो सीआरपीसी संसद द्वारा ही बनाई, ये कोड है, कानून है, तो उसके 135 के में ये चीज़ है कि सिविल मामलों में 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन पहले, सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब सांसदों को, किसी संसद सदस्य को ऐसे। लेकिन ये केवल सिविल केसेस में लागू होती है, क्रिमिनल या क्रिमिनल जिसको हम फौजदारी बोलते हैं या प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू नहीं होती है ना। क्रिमिनल अगर ऐसा है तो फिर उसमें कभी भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो सिविल का मतलब, सिविल और क्रिमिनल में बेसिक डिफरेंस इतना होता है कि भाई क्रिमिनल का मतलब होता है बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध, कि बहुत ही हीनियस क्राइम, किसी का जीवन ही आपने में खतरे में डाल दिया है, मर्डर वगैरह, डकोयटी, ये सब जैसे जो आते हैं ना गंभीर किस्म के अपराध, वो एक तरह से क्रिमिनल में आते हैं। दीवानी सिंपल जैसे मतलब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उल्लंघन खास तौर पे जो होता है वो दीवानी के अंदर गिना जाता है, ठीक है। फिर देखो क्या है, फौजदारी मामलों में सदस्य की गिरफ्तारी से पूर्व उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष व सभापति को देना अनिवार्य है, ऐसे, ठीक है। मतलब पहली बात तो है कि फौजदारी मामले के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको उसमें 40 दिन की तो कोई समय सीमा ही नहीं रहेगी पूर्व या बाद की, लेकिन अगर अरेस्ट करना पड़ रहा है तो सभापति या अध्यक्ष मतलब पीठासीन अधिकारी को सूचना देनी पड़ेगी। फिर एक अच्छा बिंदु क्या है कि संसदीय परिसर, मान लो जैसे संसदीय परिसर है ये लोकसभा राज्यसभा बीच में अपने सेंट्रल हॉल, संसदीय परिसर का मतलब क्या हो गया कि एक गेट होता है ना, मेन गेट, एंट्रेंस गेट, जहां से एंट्री आपको संसद में कर सकते हैं, ये सारा अंदर का ये हो गया ना, बाउंड्री पूरा कैंपस हो गया, ये संसदीय परिसर है। तो संसदीय परिसर में किसी भी सदस्य को बिना अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो। अगर क्रिमिनल केस में भी कर रहे हो तो पीठासीन अधिकारी को ऐसी अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी सदस्य को बिना अध्यक्ष या सभापति की अनुमति गिरफ्तार नहीं किया, संसदीय परिसर के अंदर अरेस्ट कर रहे हो तो आपको पहले पीठासीन अधिकारी की अपन को अनुमति लेनी पड़ेगी, ये चीज है इसमें, ठीक है। तो सिविल केसेस के अंदर ही है ये अपन को बचाव 40 दिन पूर्व और 40 दिन औरों में नहीं है, और संसदीय परिसर से अगर अरेस्ट करते हैं तो अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं किया, ये चीज, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, सांसदों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता होगी। तो ये मैंने आपको बताया ही था अभी जब अपन, ये तो आर्टिकल 105 में ही है, तो ये सारा मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है, ठीक है। स्वतंत्र पूर्वक भाग लेता है, न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती उसके अगेंस्ट, नागरिकों को जो मिला 19A के तहत उससे काफी वृद्ध है, हालांकि ये उससे काफी बहुत ही ज्यादा व्यापक है नागरिकों को मिलने वाला, परंतु संसद सदस्य को मिलने वाली वाक स्वतंत्रता अप्रतिबंधित नहीं है, मतलब इस पर भी रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। ये दो तरह के हो सकते हैं, अनुच्छेद 121 के तहत जो है कि क्या है कि किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्य निर्वहन के आचरण के लिए विषम संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती, बस उसको हटाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। और 118 के तहत जो बनाए गए हैं रूल्स फॉर प्रोसीजर ऑफ हाउस, संसद कार्यवाही के नियम, जैसे 159 के अंदर व्यापक नियमों का उल्लेख करती है जो संसद के सदस्यों की वाक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। अगर पीठासीन अधिकारी ने बोल दिया है बैठो तो आपको बैठना पड़ेगा, चुपचाप रहो तो चुपचाप रहना पड़ेगा, ऐसा है रूल नंबर 159 के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये कि एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लगा रखा है, जैसे कैश फॉर वोट स्कीम 2008 में जो 1-2-3 समझौता हुआ था, भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील, तो उसमें यूपीए ने अपने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया गया था लेफ्ट पार्टियों द्वारा, तो अपनी सरकार बचाने के लिए ऐसा आरोप लगाया गया था कि यूपीए ने बीजेपी सांसदों को रिश्वत दी है, फिर वो बैग भर के पैसा लेके आए थे लोकसभा के अंदर, और फिर दिखाया गया था बीच में जो अपने सेक्रेटेरिएट की टेबल होती है, मतलब संसदीय
सचिव संसदीय जो महासचिव होता है, संसद लोकसभा महासचिव, उसकी टेबल के ऊपर ले जाकर पैसे रख दिए थे और दिखाए गए थे। लेकिन ये सारा जो आचरण था ये कोर्ट में फिर चर्चा इस पे नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि ये 105 के तहत। ठीक है, तो जो भी सांसद ने वहां पैसे दिखाए कि हमको दिए हैं, ऐसे किए हैं, तो वो सब सदन के अंदर की कार्रवाई थी, पीठासीन अधिकारी के जुरिस्डिक्शन में वो है, कोई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है ना, ऐसे जो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता ना, वो आर्टिकल अपन जैसे देखेंगे 122 में आएगी। 121 में सदन में या संसद में कोई भी मैटर डिस्कस नहीं किया जाएगा कोर्ट से संबंधित, बस अगर न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी। और 122 में यह है कि न्यायालय में चर्चा नहीं होगी किसी भी मुद्दे पर जो सदन संसद के अंदर या संसद के सदन में विचाराधीन। समझ गए? फिर बिंदु संख्या 3 ये बोलता है यहाँ पे, ये भी अच्छा है कि समन जारी नहीं हो सकता। क्या है? सांसद न्याय निर्णय सेवा, ठीक है ना, जूरी सर्विस, मतलब न्याय निर्णय सेवा मतलब आप न्यायालय को मदद कर रहे हो कोई फैसला लेने के अंदर। तो कैसे मदद करोगे? कि न्यायालय में आप उपस्थित होगे गवाह के रूप में, जूरी के रूप में, तो न्यायालय की आपने मदद करी ना डिसीजन लेने में। तो यही है। क्या है? जब संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है ना, संसद का सत्र चल रहा है, तब सदन की अनुमति के बिना, ठीक है ना, मतलब पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदस्य को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय द्वारा समन जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ये चीज है। मतलब जब सदन चल रहा है तब नहीं बुलाया जा सकता संसद सदस्य को कोर्ट में पेश होने के लिए और गवाह देने के लिए। तो ये होता है ज्यूरी सर्विस। तो ये किस समय तक के लिए है? वैसे जब सत्र चल रहा है तब, उस समय तक जब सत्र चल रहा है, यहाँ वो 40 दिन पहले और बाद वाली कंडीशन लागू नहीं होती। ओके, ठीक है ना, ये जब संसद चल रहा है तब न्यायालय द्वारा सम्मन जारी नहीं किया जा सकता। सम्मन का मतलब होता है कि आप पेश हो हमारे सामने और बताओ क्या आप वहां मौजूद थे, ऐसे अगर मौजूद थे तो आपने क्या देखा है बताओ, जिससे कि न्यायालय को निर्णय लेने में सुविधा हो। तो ये तो थे कलेक्टिव प्रिविलेजेस, मतलब शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां। आप अभी तक अपने देखे सॉरी इंडिविजुअल, अब अपन देखेंगे कलेक्टिव, सामूहिक, मतलब जो सदन को मिले हुए हैं। और सदन को मिले हुए का मतलब कि ये सभी सदस्य को मिले हुए हैं। ये क्या है? संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं। क्या वह अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंधन और इन मामलों के निर्णय तो नियम बना सकती है, 118 के तहत अपन ने देखा ही है और आ जाएगा आगे। वह अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद, कार्रवाई को प्रकाशित करने तथा अन्य को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। ठीक है, वह अपनी कार्रवाई में अतिथियों को बाहर रख सकती है और कुछ आवश्यक मामलों में विचार विमर्श से तो गुप्त बैठक कर सकती है। ठीक है ना, अतिथियों को बाहर रखना और गुप्त बैठक का आयोजन करना। फिर क्या है? वह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विषय का हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास, दंड दे सकती है। ठीक है ना, सदस्यों के मामले में बर्खास्त या निष्कासन भी। ठीक है, बाहरी लोग जैसे दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, तो अगर कोई जबरदस्ती कोई वहां बोल रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, हंसी मजाक कर रहा है, हंस रहा है, हा, ही, तो दिक्कत हो जाएगी ये। ठीक है, फिर क्या है? पांचवा बिंदु, इसे किसी सदस्य को बंदी अवरोध, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगर किसी के अगेंस्ट में ऐसा कुछ इन चर्चा में है तो वो सदन जानकारी प्राप्त कर सकता है। सदन यह जांच कर सकता है कि गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर रिकॉर्ड पर आदेश दे सकती है ना, मतलब यह वह जांच कर सदन जांच कर सकता है और गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। जो भी कोई ऐसा मामला उसमें जांच कर सकती है और संबंधित पेपर मंगा सकती है। फिर क्या है? न्यायालय सदन या इसकी समितियों कार्रवाई की जांच के लिए निषेधित है, यह आर्टिकल नंबर 122 है। ठीक है, फिर संसदीय परिसर में किसी भी सदस्य को बिना अध्यक्ष या सभापति की अनुमति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, दोनों ही मामलों में, दीवानी व फौजदारी मामलों में। ठीक है ना, दीवानी में तो संभव ही नहीं है वो, क्योंकि 40 दिन पूर्व बात की तो उसमें सीमा है। फौजदारी में अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी जब आप करना है आपको तो कैसे करोगे जब आपके पास पीठासीन अधिकारी की अनुमति होनी चाहिए। ओके, ये चीज इसके अंदर है। बेसिक है, कोई ऐसा कुछ है नहीं खास, प्योर माइक्रो बना लोगे समझ में आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं दो चीजें होती है, विशेषाधिकार का हनन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, संसद की अवमानना। विशेषाधिकार हनन तो जैसे अपन ने बेनीवाल का मामला अपन ने जैसे देखा था कि धक्का मुक्की की गई उनके साथ, ठीक है ऐसे, तो ये तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया। गलत सूचना दे दी गई संसद, मतलब सदन के अंदर किसी मंत्री या सदस्य द्वारा, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। संसद की अवमानना ये होता है कि संसद ने कुछ बोला कि भाई ऐसा करो, ऐसा करना है, और नहीं किया जाता तो वह संसद की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस।
तो दो चीजें, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकार संसद के सदन या सदस्य के विशेषाधिकार उन्मुक्तों का अपमान या उन पर अतिक्रमण एनक्रोच करता है तो इसे विशेषाधिकरण ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है और यह संसद द्वारा दंडनीय है। देखिए अपन दंडनीय क्या है, मतलब दंड क्या क्या हो सकता है। किसी व्यक्ति या प्राधिकार, व्यक्ति तो इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति प्राधिकार मतलब कोई अथॉरिटी, जैसे अपन देखते हैं जब JDA, नगर निगम, रोडवेज, ऐसे प्राधिकार को कोई कृत्य या चूक जो सदन या इसके सदस्यों या अधिकारियों के कार्य संपादन में बाधा डाले या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप सदन की मर्यादा, शक्ति या सम्मान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, सदन की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जाएगा। मतलब समझ गए, विशेषाधिकार का आनंद जो ना तो इंडिविजुअल है कि किसी एक, मतलब आपने संसद के सदन या सदस्य के विशेषाधिकार का अपमान किया, अतिक्रमण किया, उसे अपन मतलब विशेषाधिकार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। कि जैसे आपको क्या था कि आपकी शक्ति थी कि खाने को बुलाया जाएगा आपको, लेकिन आपको आने नहीं दिया जा रहा, गाड़ी में बैठने दिया, घुसने नहीं दिया जा रहा, तो विशेषाधिकार हनन है एक तरह से, ठीक है ना। ठीक, और फिर सदन की अवमानना कि सदन के जैसे कार्य में बाधा डालना, सदन में जैसे अपन देखते हैं लोकसभा सचिवालय उसे किसी कर्मचारी को आप धमका रहे हो, कर रहे हो कि अगर मेरे अगेंस्ट में ऐसी ऐसी कार्रवाई की तो मैं ऐसे कर दूंगा, देख लूंगा तुम्हारा जो सलाया नौकरी करता है उसको मैं निकाल दूंगा, कर लूंगा ऐसे, तो ये सारा ये किसमें आता है, ये एक तरह से विशेषाधिकार, ठीक है ना, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और फिर जैसे अपन देख रहे हैं कि ऐसा कोई काम जो सदस्यों अधिकारियों कार्य संपादन में बाधा डाले तथा प्रत्येक रूप सदन की मर्यादा, शक्ति या सम्मान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, उसे सदन की अवमानना बोलते हैं। सदन ने जैसा कहा वैसा नहीं हो रहा है, कार्य में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, तो वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस है ना। तो वैसे आप बेसिक इतना ध्यान रखो, विशेषाधिकार मतलब जो आपको मिले हुए स्पेशल पावर्स करने के काम वो नहीं कर पा रहे हो तो विशेषाधिकार का आनंद है, और टोटलिटी के अंदर सदन को जैसा करने की शक्ति है वो नहीं किया जा रहा तो वो सदन की अवमानना, ठीक है। तो ये जैसे अभी अपन नीचे उदाहरण देखेंगे तो हो रहा है, सदन की अवमानना, सदन को ऐसा करना चाहिए लेकिन करने नहीं दिया जा रहा तो सदन की अवमानना, ठीक। तो बेसिकली इतना समझो कि विशेषाधिकार कंपेरेटिव रूप से इंडिविजुअल मामले के अंदर है और सदन की अवमानना ऑलमोस्ट टोटलिटी के अंदर है। अब देखो क्या है, यद्यपि दो अभिव्यक्तियां विशेषाधिकार हनन और संसद की अवमानना एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तथापि इनमें कुछ अर्थ भिन्न है। सामान्यतः विशेषाधिकार का हनन सदन की अवमानना हो सकती है, इसी प्रकार सदन की अवमानना विशेषाधिकार हनन में शामिल हो सकता है, तथापि सदन की अवमानना का अर्थ व्यापक है ना, ये ब्रॉड है। सदन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, विशेषाधिकार हनन के बिना सदन की अवमानना हो सकती है, कैसे, कृत्य जो विशेषाधिकार का हनन नहीं है परंतु वे सदन की अवमानना हो सकते हैं। उदाहरण क्या, सदन के विधायी आदेश को न मानना विशेषाधिकार का हनन नहीं है परंतु सदन की अवमानना के लिए दंडित किया जाता है। सदन ने बोला कि भाई ऐसा किया जाए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है तो वो सदन की अवमानना हो जाएगी, विशेषाधिकार हनन नहीं, ये चीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सदन की अवमानना कंपेरेटिवली व्यापक होती है, ये सदन की अवमानना जो ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कंपेरेटिवली व्यापक है, ठीक है ना, व्यापक, क्योंकि ये कलेक्टिव रूप से सभी के ऊपर लागू है इसलिए व्यापक है। इंडिविजुअल तो एक व्यक्ति संबंधित है, जैसे मान लो हनुमान बेनीवाल का विशेषाधिकार का हनन हुआ तो इंडिविजुअल है, और गेट ही बंद कर दिया, जैसे सत्र का आह्वान हो गया, सदन को बुलाया गया और गेट ही बंद कर दिया गया, घुसने नहीं दिया गया, तो वो अवमानना हो गई सदन, संसद की या सदन की, क्योंकि सदन ने आदेश दिया था कि सब लोग आएंगे और आने दिया गया, ऐसे है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको ज्यादा इसके अंदर गहराई नहीं है, रिविजन करना आ जाएगा। फिर क्या है कि जैसे अगर होता है कि विशेषाधिकार भंग होता है या सदन की अवमानना होती है तो क्या किया जा सकता है, या सॉरी इसके उदाहरण, जैसे उदाहरण देख लो, जैसे इससे और आ जाएगा क्लियर। सभा, इनकी समिति, उसके सदस्यों के चरित्र और निष्पक्षता पर आक्षेप, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, किसी सदस्य द्वारा सदन अथवा उसकी किसी समिति को जानबूझकर मिथ्या भ्रामक साक्ष्य देना, गलत जानकारी दी गई, कोविड में तो इतने लोग मरे जबकि हो सकता है कम या ज्यादा मरे, ऐसे। संसदीय समिति की कार्रवाई साक्ष्य रिपोर्ट को समय पूर्व से प्रकाशन किया जाना, यार कोई अलग बिंदु बनेगा ये आगे, ठीक है ना, ये एक सेकंड, हाँ अलग बिंदु ये बन गया यहाँ, तो ये चीज है। एक सेकंड, किसी कार्रवाई या साक्ष्य रिपोर्ट का समय पूर्व प्रकाशन कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले होता का तरीका तो यह है कि पहले वो सदन के पटल पर रखी जाती है, फिर उसका प्रकाशन होता है, तो अगर समय पूर्व प्रकाशन कर दिया गया है तो वो ये प्रक्रिया नियम 275 के तहत दंडनीय है। सभा की गुप्त बैठक की कार्रवाई का प्रकाशन, गुप्त तो गुप्त ही होता है। फिर रिश्वत, संसद
सदस्यों को उनके संसदीय आचरण को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देना, जैसे तुम इस पेपर में वोट डालना है मत डालना, उसके लिए रिश्वत देना, ठीक है, तो यह मानना एक तरह से विशेषाधिकार का हनन है। सभा के अधिकारियों को उनके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डालना या उत्पीड़न करना, तो बताया जैसे उत्पीड़न कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साले को परेशान करूंगा अगर मेरे को ऐसे ऐसे कार्रवाई में भाग लेने नहीं दिया। तो जैसे लोकसभा सचिवालय होता है, उसके किसी अधिकारी को आपने ऐसे धमकी दी, या महासचिव को धमकी दे दी, ऐसे ऐसे देख लूंगा तुम्हारे साले को, उसके वो लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, ऐसे ऐसे, या बाधा डाला जैसे उनको लिखने नहीं दिया, पेन उठा के ले गए, ऐसे। तो ये चीज है अपने विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो सदन क्या दंड दे सकता है, क्या पनिश कर सकता है क्या, तो वो चीज अपन यहाँ देखते हैं कि हाँ ऐसी शक्ति होती है। विशेष अधिकारों को भंग करने या सदन संसद द्वारा अवमानना के संसद द्वारा अवमानना पर दंड देने की शक्ति, संसद का प्रत्येक सदन सदन स्वयं के विशेष अधिकार संरक्षक है। सदन के दंड देने की शक्ति केवल अपने सदस्यों तथा उसके समीप किए गए अपराधों तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह सदन के समस्त अवमाननाओं, चाहे वह सदस्यों द्वारा की गई ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा सदन में सदस्य नहीं और चाहे अपराध सभा के भीतर किया है तथा अपराध सभा के बाहर लागू होती है। सभा से बाहर मतलब संसदीय परिसर में, और ऐसे व्यक्ति सदन के सदस्य नहीं है, मतलब कोई बाह्य व्यक्ति जैसे आके बैठते हैं दर्शक दीर्घा के अंदर, उन पर भी चीज लागू होती है। और मंत्री जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री तो है ही, तो उस पर भी लागू होती है। और महान्यायवादी जैसे वो सदस्य नहीं होते हैं लेकिन बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, मत देने नहीं दे सकते वैसे, है ना। तो उनके मामले में जैसे अगर ये होता है ऐसा, शक्तियां या विशेषाधिकार मुक्तियों का हनन या विशेषाधिकार का हनन और मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो किस तरह का दंड दे सकता है वो देखते हैं। कारावास, सबसे पहला कारावास, अपराधी को जेल भेजा जा सकता है। यह कारावास अवधि सभा के सत्र की अवधि के बराबर होती है तथा सभा का सत्रवास होने से अपराधी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आया, उसने फोटो वोटो खींच ली, उनके अंदर दर्शक दीर्घा में बैठा था और ऐसे फोटो खींच ली, दर्शक दीर्घा में बैठने का बकायदा पास वगैरह सब बनता है, ठीक है ना, तो उसको फिर जेल भेजा जा सकता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। लेकिन कब तक रहेगी अवधि मैक्सिमम, जब तक वो सत्र चल रहा है। जैसे सत्र खत्म होगा, जिसको अपन बोले सत्रावसान प्रोरूप जो राष्ट्रपति करता है, वैसे उसकी छुट्टी हो जाएगी जेल से। चेतावनी या भ्रष्टाचार चेतावनी दे सकता है पीठासीन अधिकारी, ठीक है, सेवा से मतलब सभा की सेवा से निलंबन या निष्कासित कर सकता है, कि निष्कासन करना, बाहर ले जाओ, मार्शल बोलता है बाहर ले जाओ। तो सेवा से मतलब पहले सदन की सेवा ही कर रहे थे आप, जैसे सदन के अंदर बोल रहे थे, मत दे रहे थे, सदन की सेवा ही कर रहे थे, तो उससे आपको निलंबन सस्पेंड किया जा सकता है, निष्कासन किया जा सकता है, सस्पेंशन नहीं है दोनों मामलों के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकार भंग करने के लिए दंडित करने का अधिकार है ना। ये दर्शक दीर्घाओं में अव्यवस्था फैलाने पर व्यक्तियों को ऐसा दंड कई बार दिया गया है। ऐसे दर्शक दीर्घाओं में बैठे बैठे, जैसे मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताई, आपने जैसे मान लो मोबाइल की घंटी बज गई, आपने वहां से शाउटिंग कर दिया जोर जाओ भाई, तुमने देश को बर्बाद कर दिया, अगर घर बैठ जाओ होगी गड़बड़, जेल जाओगे, लेकिन कब तक, जब तक सत्र चलेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट बिंदु है संसदीय विशेषाधिकार तथा प्रेस। प्रेस क्या है, जैसे अपन देखते हैं कि इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का बोलते हैं। पहला तो क्या कार्यपालिका का, दूसरा व्यवस्था का, तीसरा न्यायपालिका, चौथा प्रेस, क्योंकि वो जो जो संसद चाहती है उसको आम जनता को बताती है, चर्चा का सार लोगों को बताती है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर प्रेस को ज्यादा ही कर ले, ठीक है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, उस पर रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि गुप्त बैठक होगी, अगर उसने डाल दी, प्रकाशन कर दिया, तो संसद या सदन उस पर कार्रवाई कर सकता है। किसी के आचरण के ऊपर बिना किसी सबूत के आक्षेप लगाए तो वो उस पर फिर कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखा क्या क्या सदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, परंतु यदि प्रेस द्वारा सत्ता का निर्वहन असद्भावनापूर्ण किया जाता है तो संसद का यह कर्तव्य हो जाता है कि वैसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है ना। आप देखो क्या है, ये 19A क्या के तहत है, जो प्रेस को जो स्वतंत्रता मिली हुई है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे विजुअल मीडिया हो, ठीक है, तो ये स्वतंत्रता जो मिली हुई है ये 19A में इम्प्लाइड है, अलग से कहीं भी नहीं लिखा हुआ फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अपने देखा था 19A क्या, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(2) के तहत लग सकते हैं कि नहीं सकते, तो वैसे ही ये तो मतलब लिमिटेड है, ऐसा समझ गए। तो ये चीज थी, ये थोड़ा बेसिक है और आगे जुड़ेगा, आगे जब अपन रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ेंगे उसमें, और जैसे सदन की अवमानना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आएगा, मोशन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या मोशन ऑफ प्रिविलेज जैसे आएगा, तो वहाँ और आएगा, और ये न्यूज के अंदर काफी चर्चा के अंदर ये टॉपिक रहता है, ठीक है। तो इसका एक बार देखो, फिर जैसे अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ और ये चीज समझ में आएगी। कोई ऐसा ज्यादा कोई टिपिकल है नहीं, बस 105 ध्यान रखो आप, 105 के अंदर चार सब बिंदु अपन ने देखे हैं, 1, 2, 3 और 4,
एक के अंदर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनका, लेकिन फ्रीडम उस पर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन उस पर लग सकता है 121 और 118 के तहत। फिर ये किसी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, जो भी उन्होंने बोला या मत जैसे सदन में डाला वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। फिर तीसरा, लॉ द्वारा उसको संसद कभी भी डिफाइन कर सकती है, जो आपके SSI जो है या वो जो है ना शक्तियां विशेष अधिकार उन्नति है, उनको समय समय पर लॉ द्वारा डिफाइन संसद द्वारा किया जा सकता है। और चौथे में बिंदु में अपन ने क्या देखा कि उन व्यक्तियों पे भी ये उसी तरह लागू होते हैं, उन व्यक्तियों जो संसद सदन का सदस्य नहीं है, जैसे मंत्री है, किसी दूसरे के अंदर जाके बैठता है, बोलता है, वहां न्यायवादी है ना, तो उन पे लागू ये नहीं होते हैं। उन पे किन पे? जिनको बोलने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है ना, लेकिन वो मत नहीं देते हैं, उन पे भी उसी तरह लागू है खंड 1, 2, 3 जैसे उस सदन के सदस्य पे। तो ऐसे ये इजी चीज थी, कोई ऐसे कलिस्ट है नहीं, एक बार रिविजन करो फिर आ जाएगा, फिर आगे और देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 106, ठीक, ओके।